क्या दोस्तों आपका भी एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू नहीं अपडेट हो रहा है? क्या दोस्तों आप भी एंड्रॉयड सिस्टम को अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट नहीं हो रहा है? तो इस वीडियो में पक्का मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कैसे अपडेट करना है एंड्रॉयड सिस्टम व्यू वेब व्यू को। दोस्तों सिंपल से आप कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। जान लीजिए मैं हूँ इस चैनल का होस्ट, आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं किस तरीके से सेटिंग को आपको कर लेना होगा। सिंपल से आप अपने मोबाइल की सेटिंग में आओगे। मोबाइल की सेटिंग में इस तरीके से आने के बाद अब आपको ढूंढ लेना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं, ऐप मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे, ऐप लिस्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू पे क्लिक कर देना होगा, जैसे कि हमने कर दिया। इसे सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप कर देना होगा और इसके बाद आपको स्टोरेज यूज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लियर चेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर चेस ही करना है इसका। इस तरीके से करने के बाद आप सिंपल से आप यहाँ से बाहर निकल आएंगे। अब दोस्तों आपको फिर से एक सेटिंग और करनी होगी। ऊपर से आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिलेगा एरोप्लेन मोड, यहाँ पे आपको क्लिक करके, इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम फिर से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लिक करने के बाद फिर से क्लिक कर देना होगा, ये फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, तो चलिए यहाँ पर आपको सिंपल से आपको फिर से जाना होगा प्ले स्टोर में। आप प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर सर्च करना है एंड्रॉयड सिस्टम व्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पर सर्च किया और एंड्रॉयड सिस्टम पर यहाँ पर क्लिक कर दिया। दोस्तों जैसा कि आपके सामने ये शो हो रहा है, ये देखो हमारा हो चुका है। आपका अभी तक नहीं हो रहा है तो हो जाएगा सिंपल से। यहाँ थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, माय ऐप पे यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जितने भी ऐप अपडेट के लिए होंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको उसे रोक देना होगा, जब आप रोक दोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे उसे अपडेट। एक एक करके अपडेट आपको कर लेना होगा सिंपल तरीके से। दोस्तों इस तरीके से आप कर पाए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।